स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के बारे में. सर्फेस कहते हैं सतह को और टाइप्स कहते हैं इकसाम को. और लफ्ज रिफ्लेक्टिंग जो है ये निकला है रिफ्लेक्शन से. और रिफ्लेक्शन क्या है? ये वो अमल है या वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जब किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब रोशनी पड़ती है यानी कि रोशनी की श्वाएँ पड़ती हैं तो उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो श्वाएँ जब वापस मुड़ती हैं या टर्न बैक होती हैं तो इस अमल को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हमारे इर्द गिर्द जब हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो सतह है, जो सरफेस है, वो बिल्कुल हमवार होती है यानी कि स्मूथ होती है या फिर हम कहते हैं शाइनी होती है. और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसी होती हैं कि उनकी जो सरफेस है या फिर हम कहते हैं जो उनकी सतह है वो रफ़ होती है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो सतह है वो बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है. लेकिन ये जो सुर्ख रंग में ऑब्जेक्ट दिखाई गई है इसकी जो सतह है, सरफेस है, वो एक जैसी नहीं है, हमवार नहीं है, ना हमवार है. इसको हम कहते हैं रफ़ सरफेस. और जब इन सरफेसेस के ऊपर से पे रोशनी पड़ती है और रोशनी टकरा के वापस जाती है तो ये कौन सी सरफेसेस बन जाती हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस के बारे में. स्मूथ और शाइनी सरफेसेस जो हैं ये कौन सी सतह होती हैं? अगर हम इसकी बात करें तो ये वो सतह होती है जो कि हम कहते हैं कि जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये रोशनी का बहुत ज़्यादा हिस्सा यानी कि जो मेजर पार्ट है, मेजर कहते हैं ज़्यादा हिस्से को, तो जो रोशनी इसके ऊपर पड़ रही होती है तो उस रोशनी की ज़्यादातर जो श्वाएँ हैं वो क्या करती हैं? वो ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है? उसको रिफ़्लेक्ट कर देती है. यानी कि ज़्यादातर लाइट का हिस्सा जब रिफ़्लेक्ट होता है यानी कि इससे टकराने के बाद वापस मुड़ जाता है और सिर्फ जो थोड़ा सा माइनर पार्ट होता है यानी कि जो बहुत कम हिस्सा होता है वो क्या होता है? वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ी सी जो रोशनी की श्वाएँ हैं उसको जज़ब कर लेता है. तो ऑब्जेक्ट जो है जब ज़्यादातर श्वाओं को हम क्या कहें कि टकराने के बाद वापस मोड़ दे या फिर रिफ़्लेक्ट कर दे और बहुत कम श्वाओं को, रेस को अपने अंदर जज़ब करे तो वो जो सरफेस होती है उस ऑब्जेक्ट की वो कहलाती है स्मूथ सरफेस या फिर हम कहते हैं शाइनी सरफेस. अब अगर हम इनकी मिसालें दें यानी कि एग्जांपल्स देख लें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो सरफेस है, सतह है, वो स्मूथ है या फिर शाइनी है, तो उसके अंदर सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है मिरर यानी कि शीशा. जिस शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, मिरर जो है वो क्या है? उसकी जो सरफेस है हमने देखा है कि वो बिल्कुल हमवार होती है, स्मूथ होती है और शाइनी होती है. बिल्कुल उसी तरह से धातुओं की जो शीट्स होती हैं, जैसे कि हमने देखा है स्टील की शीट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? शाइनी होती हैं, चमकदार होती हैं. और तो वो भी क्या हैं? हम कहेंगे कि वो क्या हैं? वो शाइनी सरफेसेस हैं. इसके अलावा वाइट बोर्ड जो है एक ऐसा बोर्ड होता है जिस तरह से आपने स्कूलों में देखा होगा कुछ बोर्ड जो हैं जहाँ जिस पे उस्ताद लिखता है वो काले रंग के होते हैं, इसी तरह से कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, उन्हें कहा जाता है वाइट बोर्ड. और ये वाइट बोर्ड जो होते हैं ये भी शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और इसकी भी सरफेस क्या होती है? स्मूथ एंड शाइनी. और ये सारी जो स्मूथ और शाइनी सरफेसेस होती हैं ये क्या करती हैं? जब इन पे रोशनी की श्वाएँ पड़ती हैं तो ज़्यादातर श्वाएँ इनसे टकरा के वापस मुड़ जाती हैं और बहुत कम मिकदार में जो श्वाएँ होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं यानी कि जज़ब होती हैं. अब अगर हम बात करें रफ़ सरफेसेस की, तो रफ़ सरफेसेस जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये जो हैं
ऐसी सतह होती है जिसमें जो ज़्यादातर पार्ट है लाइट का जो कि इनके ऊपर पड़ता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि जज़ब हो जाता है, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा, बहुत माइनर पार्ट जो है वो टकराने के बाद वापस मुड़ता है, यानी कि रिफ़्लेक्ट होता है। और इसकी अगर हम मिसालें दें कि इसकी कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स में शामिल है वुड, यानी कि लकड़ी। लकड़ी जो है उसकी जो सतह है वो शाइनी नहीं होती बल्कि रफ़ होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ब्लैक कलर की होती हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड जो है जिस पे उस्ताद लिखता है उसका रंग जो है वो काला होता है, ब्लैक होता है, और उसकी जो सतह होती है वो बहुत ज़्यादा हमवार नहीं होती। जिस तरह से मिरर है, शीशा है, उसकी जो सतह है वो बहुत ज़्यादा हमवार होती है, तो जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके मुकाबले में जो है शीशे के मुकाबले में उसकी सतह इतनी ज़्यादा हमवार नहीं होती, तो हम उसे कहते हैं ये रफ़ सरफेस है। और ये जो रफ़ सरफेस है ये क्योंकि ज़्यादातर जो इसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है, जो रोशनी की शुआएं पड़ रही होती हैं, उसको ये सरफेस जज़ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से वो हमें चमकदार यानी कि शाइनी नज़र नहीं आती। यानी कि ये हमें इसी वजह से जब हम इन्हें देखते हैं तो ये हमें क्या नज़र आती हैं, ये हमें शाइनी नज़र नहीं आती बल्कि ये हमें रफ़ नज़र आती हैं। इसका मतलब है कि रिफ़्लेक्शन का प्रोसेस जब हो रहा होता है तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उसकी सरफेसेस जो हैं, उसकी जो सतह है वो स्मूथ या शाइनी होती है या फिर वो रफ़ होती है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिफ़्लेक्टिंग सरफेसेस की इकसाम हैं, यानी कि टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ रिफ़्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में।